आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गीडा स्थित एक फुटवेयर कंपनी के मालिक के खिलाफ मजदूर हुए लामबंद। एक मुठभेड़ में गोरखपुर पुलिस ने आंख में मिर्च डालकर लूट करने वाले शातिर बदमाश को दबोचा। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने पाकिस्तान का फूंका पुतला। गोरखपुर में मुस्लिम भाइयों ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर दिया एकता का संदेश। और इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन और कोविड 19 टीकाकरण के प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सीएमओ ने आयोजित की कार्यशाला। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ मजदूरों को रोजगार देने के लिए कई प्रकार के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, तो गोरखपुर में विगत कई वर्षों से एआरपी फुटवियर रबड़ कंपनी के हुक्मरानों द्वारा वहाँ कार्यरत मजदूरों के साथ सौतेलापन रवैया अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां के मजदूर भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के औद्योगिक क्षेत्र गीडा में आजम रबर प्रोजेक्ट एआरपी कंपनी पिछले कई वर्षों से रबर फुटवियर सहित अन्य उत्पादों का निर्माण करती आ रही है और इस कंपनी के सैकड़ों मजदूर पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएँ देते चले आ रहे हैं, लेकिन इस समय कंपनी के मालिक आजम खान के अड़ियल रवैये की वजह से इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के हुक्मरानों द्वारा इन सभी मजदूरों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कंपनी को हुए घाटे का बहाना बताकर मजदूरों को काम से निकाला जा रहा है। कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का आरोप है कि उन्हें कंपनी द्वारा बीते 3 महीने से अधूरी तनख्वाह दी जा रही है और अब इसके मालिक कंपनी को बेचकर फरार होने के फिराक में हैं। मजदूर लोग का क्या है मामला आप लोगों का? समय से पीएफ नहीं जमा कर रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं, बैठकी भी लगा रहे हैं, मशीन भी बेच रहे हैं। क्या पीड़ा है आप लोगों की? पीड़ा बैठकी लगा रहे हैं, पीएफ नहीं जमा कर रहे हैं, वेतन समय से दे रहे हैं, 3-3 महीना 3-4 महीना हो जा रहा है। कौन कंपनी में? एआरपी में। क्या नाम है आपका? दिनेश शुक्ला। लेबर हैं? गोरखपुर जनपद के रामगढ़ ताल इलाके में कलेक्शन एजेंट की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर बीते 16 अगस्त को लूट की वारदात करने वाले बदमाशों से आज तड़के पुलिस और क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। SSP डॉक्टर विपिन कुमार टाडा के मुताबिक क्राइम ब्रांच और रामगढ़ ताल पुलिस को सूचना मिली थी कि विगत 16 अगस्त की दोपहर में कैश मैनेजमेंट सिस्टम के कर्मचारी नवनीत मिश्रा से 5,28,000 रुपये लूटने वाले बदमाश वाटर पार्क के पास खड़े हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद सूचना के आधार पर रामगढ़ ताल थाने के प्रभारी निरीक्षक जैन सिंह, क्राइम ब्रांच के स्वाट प्रभारी सादिक परवेज ने अपनी टीम के साथ पल्सर सवार बदमाशों को घेर लिया। पुलिस को देख बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में बाइक चला रहे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह बाइक लेकर गिर पड़ा और पीछे बैठा उसका साथी फायरिंग करते हुए भाग निकला। पुलिसिया पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र स्थित कजाकपुर के रहने वाले सिकंदर के रूप में हुई। बदमाश ने फरार हुए अपने साथी का नाम बेतीहाता दक्षिणी निवासी विजय बताया, जिसकी तलाश चल रही है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट के 1.5 लाख रुपए और पिस्टल भी बरामद किया है। ये दिनांक 16/8/2021 को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र। उसी क्रम में हम लोग लगे हुए थे, CCTV वगैरह हमने खंगाले और बाकी चेक कर रहे थे, तो कुछ लोगों के बारे में हमें पता चला। आज सुबह एक मुखबिर की सूचना पर हमें यह पता चला कि जो हमारा एक सस्पेक्ट है उसमें से वो इंदिरा नगर कॉलोनी से पैडलेगंज की तरफ आ रहा है। इस सूचना पे रामगढ़ ताल की पुलिस ने अपराध शाखा की टीम को ही बुला लिया और ये लोग वहाँ पे उसका इंतज़ार करने लगे। पुलिस को देखने पे ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इन्होंने पुलिस पे जान लेने की नीयत से फायर किया और जवाबी जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी
और दूसरा जो है वहाँ से फरार हो गया, उसके लिए तलाश की गई कौमी की। जो व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम है सिकंदर पुत्र छोटेलाल, निवासी कजाकपुर रामपुर थाना रामगढ़ता, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से लूट के 1,48,000 रुपये बरामद किए गए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह के मूर्ति को तोड़े जाने के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। पुतला फूंक रहे छात्रों का कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह का आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी प्रतिमा को बार बार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जो निंदनीय है। देखिए, पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह जो थे हमारे देश को आज़ाद कराने में और बहुत बड़ा उनका योगदान है, और उनका एहसान पाकिस्तान भुला गया है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान एक था तब की लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो उनकी बहुत बड़ी देन है कि मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, नहीं तो अगर वो अगर लड़ाई को सफल नहीं हुए तो मतलब बहुत सी लड़ाई उन्होंने जीती है, तो एक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में नहीं रहता। तो वो हमारे भारत के वो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उनकी मूर्ति जो थी पाकिस्तान के लाहौर में लगी हुई थी, और लगातार मतलब पाकिस्तान में उनकी मूर्ति को 3 बार क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है। इससे पहले भी 2 बार तोड़ा गया था और पाकिस्तान में फिर ये मूर्ति तोड़ी गई है, तो उसका हम कट्टर विरोध करते हैं और इसी विरोध में हमने आज पाकिस्तान का पुतला जलाया है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर महानगर के टाउन हॉल स्थित नगर निगम पार्क में समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव आफताब अहमद के नेतृत्व में मुस्लिम भाइयों ने हिंदू बहनों से रक्षाबंधन बनवा कर अनेकता में एकता का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व महासचिव आफताब अहमद ने बताया कि हमारे गंगा जमुनी तहजीब हर जगह देखने को मिली है, इसलिए रक्षाबंधन से पूर्व मुस्लिम भाइयों ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाई है और उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बहनों को भेंट के रूप में पौधे एवं गिफ्ट भी दिया, जिससे पर्यावरण संरक्षा का संदेश जन जन तक पहुँच सके। इस मौके पर कंचन श्रीवास्तव, बीना देवी, रूपी खातून, हसीना खातून, राजू कुरैशी, शहाबुद्दीन अली सहित कई लोग मौजूद रहे। आज ये कार्यक्रम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और हम सभी हिंदू बहनें मुस्लिम भाइयों को राखी बांधने का काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम बहनें हमारे यहाँ पर हैं वो हिंदू भाइयों को राखी बांधने का काम कर रही हैं। आपको पता होगा पहले भी जब चित्तौड़ पर हमला हुआ था तो चित्तौड़ की रानी ने भी हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा सूत्र भेजकर उन्होंने अपनी रक्षा का वचन लिया था। तो ये गोरखपुर जनपद में इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन और कोविड-19 टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिफा संगठन के सहयोग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित मीडिया जगत के कई नामचीन लोग इस कार्यशाला में शामिल हुए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर को मुक्त कराने के लिए जन समुदाय का सहयोग नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाने के साथ ही हर बुखार के रोगी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। इस दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण स्थल पर मास्क के साथ 2 गज की दूरी, साफ सफाई जैसे प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात भी कही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा पत्रकार बंधुओं और मीडिया कर्मियों के साथ हम लोग चर्चा जो आजकल आम जो चीज़ें हम काम कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, कोरोना नियंत्रण का काम हो रहा है, JEES का इस समय ज़्यादा समय हो गया, प्रकोप फैलने की संभावना है, तो इन सब पर एक छोटी सी चर्चा हुई कि कैसे हम लोग मीडिया के माध्यम से पब्लिक को अवेयर कर सके कि अपने को कैसे सुरक्षित रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से गुजरने वाली ज्यादातर नदियों का जलस्तर इस समय खतरे के निशान को छू चुका है, जिसकी वजह से जिले के दर्जनों गांव मेरुदंड होने के साथ ही हजारों एकड़ फसल डूबकर बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा, बाणगंगा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी खतरे के निशान को छू चुकी है। नौगढ़ तहसील के जोगिया ब्लॉक के भी कई गांव मेरुदंड हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर
प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र इटावा में बाढ़ से गिरे दर्जनों गांवों में जाकर लोगों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मीडिया से बात करते हुए सतीश त्रिवेदी ने कहा कि बाढ़ से गिरे गांवों में राहत सामग्री वितरण और उनकी हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। क्षेत्र इटावा के डुमरियागंज तहसील के राप्ती नदी के किनारे के जो गांव हैं, तेनुई, नेहतुआ, चंदन जोत, कोहल गोनगोट, जुड़ोनिया, असनहरा, देव, जहदा, किसवा जोत, रमापुर, जगत राम, बामदेई, राउडीला, जुड़ी कुइया, खंता, बेतनार, इधर के सिसई, तरहर, कटरिया, पिपरा, कानूनगो, अधिकांश गांव ये डूबे हुए हैं पानी में पूरी तरह से। बाहर से जो अचानक पानी आ गया है और ये असनहरा, बेओ, बामदेई, राउडीला, ये सब गांव तो बिल्कुल एकदम से नदी के पास हैं। इसलिए हमने कहा था, हमारे जिलाधिकारी एक दिन दौरा करके गए और कल से ही आज दूसरे दिन लगातार हम SDM डुमरियागंज, तहसीलदार डुमरियागंज, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस के SO सबके साथ दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। रिपोर्ट तहसील से जा रही है, फसल पूरी तरह से डूब गई है बाढ़ के पानी में, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ जो गांव में पानी घुसा है, लोगों को राहत सामग्री के लिए अन्य सभी जो सरकारी सुविधाएं योगी सरकार उपलब्ध करा रही है, वो सब सुविधाएं इन गांव के लोगों को मिल सकें, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मौके पर आया था। अभियान के तीसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर महानगर के MP बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूल की बालिकाओं और पुलिस के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सशक्तिकरण एवं शासन द्वारा महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारियां दी गईं। इस दौरान SSP विपिन टाडा द्वारा महिला बीट ऑफिसर की नियुक्ति कर स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया गया। इसके साथ ही स्कूल की बालिकाओं ने SSP और SP साउथ सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को राखी बांधा, जिसके उपरांत SSP विपिन टाडा ने उनकी सदैव रक्षा करने का वादा किया और उन्हें यह भरोसा दिया कि गोरखपुर पुलिस उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मीडिया से बात करते हुए SSP विपिन टाडा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तीसरे चरण की शुरुआत प्रताप बालिका इंटर कॉलेज से किया गया है। इसके साथ ही साथ यहां के छात्राओं द्वारा मुझे अन्य अधिकारियों को राखी भी बांधी गई है और उनके सुरक्षा का पूरा आश्वासन भी मेरी तरफ से दिया गया है। आज महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, जहां पर कि कॉलेज की छात्राएं और हमारी महिला पुलिस टीम के साथ में विचार विमर्श किया गया और उन्हें जागरूक किया गया महिला सशक्तिकरण के बारे में और इस अभियान के उद्देश्य बताए गए, उपयोगिता बताई गई। साथ ही आज यहाँ पर हमारी जो महिला बीट पुलिस ऑफिसर्स की टोली आई है, इनको यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोरखपुर जनपद के पिपराइज थाना क्षेत्र के नथुआ हेमदापुर में 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक मृतक बीते शुक्रवार की शाम घर का सामान लेने बेला बाजार गया था और जब देर शाम वह घर नहीं पहुंचा तब हम उसकी खोजबीन करना शुरू कर दिए। परिजनों के मुताबिक मृतक बीते शुक्रवार की शाम घर का सामान लेने बेला बाजार गया था और जब देर शाम वह घर नहीं पहुंचा तब उसकी खोजबीन शुरू की गई। आपको बता दें कि युवक का शव गांव के ही एक विद्यालय से 50 कदम की दूरी पर संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाते ही आनंद फानन में पिपराइज पुलिस मौके पर पहुँच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जाँच में जुट गई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत दुर्घटना होने की वजह से हुई होगी, अब पोस्टमार्टम के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमके दवाई करा के यही ना सुई लगवा के यही जैसे तो घर यही ना तो 4 बज गई तो 4 बजे कहीं ना तो कहता नहीं अम्मा आ तुम से दूध बद इतना दूध धिका के दिया पिए ना आ कहता नहीं अम्मा आए आज कुछ हुआ आई ऐसे एक महीना हो गई सावन भर के खाई लाई है मीठ मछली आई आज आई कुछ कहनी है बाबू का करके बढ़ाई 100 रुपया दिहनी झूरा दिहनी आ कहते नहीं अम्मा रोटी चावल बना दे रही हरों अपने औरतिया कहला रोटी आ तने चावल बना दिया भाभी रही है ना है भाभी रक्षाबंधन चल जाइए बाने
अबूती हम बाजार करके सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटी और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज़ नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।